गलत चीजें नहीं सिखानी प्रिय बच्चों को, गलत चीजें नहीं सिखानी। Hey guys, what's up? It's me, friend. Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, I will be answering one of the most asked questions on my channel, which is Priya Didi, Didi, Korea कैसे जाऊँ मैं? How can I come to Korea? तो चले Korea नहीं, video में आगे, Korea बाद में जाना, okay? ऑप्शन नंबर वन, अगर आपको कोरिया आना है और यहाँ का कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है तो आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। यू कैन गेट अ टूरिस्ट वीजा फॉर कोरिया, जो कि बहुत सिंपल है मिलना और इसकी 90 डेज तक की वैलिडिटी होती है, विच विल गिव यू इनफ टाइम कि आप यहाँ आओ, यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस करो और खुश होके जाओ। आप VFS Global की वेबसाइट पर जाके इस टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी आइटिनरी, ये सब कुछ। और कोरिया की वीजा की फीस होती है 2800 इंडियन रुपीज। ऑप्शन नंबर टू, अगर आपको कोरिया आना है फॉर लॉन्ग टर्म एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस करनी है एक स्टूडेंट लाइफ, यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन अ कोरियन यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, अब्रॉड में पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ना, आई नो, बट इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो जो कोरियन गवर्नमेंट है, दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स हु वांट टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इफ यू हैव 80% और अबव इन योर 12th स्टैंडर्ड, यू आर एलिजिबल फॉर GKS स्कॉलरशिप, विच इज द ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के अंडर क्या होता है, कोरियन गवर्नमेंट आपका कोरिया आने का, कोरिया से जाने का सारा एक्सपेंस उठाएगी। आपकी ट्यूशन फीस जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की होगी वो भी कोरियन गवर्नमेंट ही देगी, एंड साथ ही साथ वो आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी, विच इज द मंथली अलाउंस, जो आपका मंथली रहने का खर्चा होगा, दैट टू। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि प्रिया दीदी, मेरे को तो कोरियन आती नहीं, क्या फिर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ स्कॉलरशिप के लिए? मैं बताती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जो कोरियन गवर्नमेंट है वो इस प्रोग्राम में आपको एक लैंग्वेज कोर्स भी देती है, जिसमें आपको एक साल कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। बट मैं सच्ची बताऊँ पर्सनली, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत कोरियन सीख ही लो, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ने भी वाले हो, आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे कोरियन लैंग्वेज में, आपको वहाँ पे रहना भी है, तो इट्स बेटर टू नो थोड़ी बहुत कोरियन। और उसके लिए आपको देना पड़ेगा एक टॉपिक का एग्जाम। तो ना, जीके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस दो राउंड्स में डिवाइडेड है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो तो ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाता है, और जो सेकंड राउंड होता है उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कोरियन एम्बेसी को। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, योर पेरेंट्स आईडी, आपके मार्कशीट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, इन सबकी हार्ड कॉपीज आपको सबमिट करनी पड़ती है अपोस्टाइल करा के। अपोस्टाइल, अब ये अपोस्टाइल कराना क्या होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपोस्टल करा कैसे सकते हो, बहुत आसान है, अगेन मैं बता रही हूँ। अपोस्टल कराना जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी रिकग्नाइज होंगे। अपोस्टल कराना बहुत सिंपल है, तो आपको क्या करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट EAS, दैट इज एक्सीलेंट अपोस्टल सर्विसेज। नाउ द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ यूर स्टूडेंट्स, और आप लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हो GKS स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ, है ना, एंड दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट EAS। तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके थ्रू अपोस्टाइल करा सकते हो, जैसे कि आई हैव दिस अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट विद मी, यहाँ पे सारे नोटरी के स्टैम्प्स लगे हुए हैं, और ये जो स्टैम्प है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका अपोस्टाइल का स्टैम्प, और ये अपोस्टाइल स्टैम्प जब तक नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे, कोरियन यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। नाउ आई नो ये बहुत डिफिकल्ट साउंड करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट EAS, दैट इज एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज, और इनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूंगी, एंड इनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ एंड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। नाउ इफ यू क्वालिफाई इन राउंड टू, आपको कोरियन एम्बेसी में जाके एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको फाइनली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, आई होप यू गाइस अप्लाई एंड गेट द स्कॉलरशिप्स। ऑप्शन नंबर थ्री, वर्क वीजा। अगर आप इंडिया में किसी कोरियन कंपनी में जॉब करते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर अ D7 शॉर्ट टर्म वीजा, जो कि आपको 90 डेज तक के लिए मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड दैट आपकी जो कोरियन कंपनी है वो आपको ट्रांसफर करे कोरिया में। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोरिया में जॉब करना चाहते हो तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर जॉब्स हियर, जिसके लिए यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट कॉल्ड haramin.co.korea एंड चेक आउट फॉर ऑल द जॉब रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन नंबर फोर, वर्केशन वीजा, जो आई थिंक इज लॉन्चिंग सून। तो अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करूं और आपको इस वर्केशन वीजा के बारे में और डिटेल में बताऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल डू सम रिसर्च अबाउट इट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग एंड आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर अभी भी इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, यू कैन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। Dancing with the stars in the eyes, 'cause your touch gets me high. You and me already know. Whoa, let your love lead me blind.
me up, change my mind. You and me already.